आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने कई बार देखा है कि परीक्षा के दौरान बच्चे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन लिखने में असहज महसूस करते हैं। कारण ये है कि लंबे लंबे आंसर्स याद करने में उन्हें समस्याएं होती हैं और कई बार तो याद किए गए प्रश्नों के उत्तर परीक्षा के दौरान वो भूल जाते हैं। ऐसी स्थिति में वह कम स्कोर कर पाते हैं। चिंता की कोई बात नहीं है, आइए आज हम चर्चा करते हैं कि कैसे याद करें ताकि परीक्षा के दौरान आराम से जल्दी से उसको रिवाइज कर सकें और परीक्षा में ठीक से लिख सकें। एग्जाम्पल के तौर पे मैं कुछ क्वेश्चन आपसे डिस्कस करता हूँ, आपको बताता हूँ कि किस ढंग से याद करें ताकि आपको उत्तर ठीक से याद रहे और आप परीक्षा में ठीक से लिख सकें। अगर आपको ये तरीका पसंद आए तो अपना कमेंट जरूर देंगे, अपनी राय जरूर देंगे ताकि मैं इसको और भी चैप्टर्स के लिए या बाकी सारे प्रश्नों के लिए इस्तेमाल कर सकूं और आपके लिए और भी नए नए ट्रिक बनाकर आपको दे सकूं। तो आइए शुरू करते हैं। क्लास 9th के हिस्ट्री के चैप्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द इवेंट्स ऑफ 14th जुलाई 1789। इस क्वेश्चन को पूछने का एक और ढंग है, हो सकता है कि अलग ढंग से इसको पूछा जाए। डिस्क्राइब द इंसिडेंट विच टुक प्लेस इन द मॉर्निंग ऑफ 14th जुलाई 1789। इसके आंसर लिखने होंगे आपको। तो सबसे आसान तरीका यह है कि आप प्रश्नों के आंसर्स याद करते समय केवल की वर्ड्स याद कर लें जिससे कि आप उसको रिवाइज आराम से कर सकें और परीक्षा में आंसर्स ठीक से लिख सकें। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ कीवर्ड्स हैं जिन पर याद करना होगा। पहला कीवर्ड ये है, पेरिस वॉज इन द स्टेट ऑफ अलार्म। इसका आंसर क्वेश्चन में छिपा हुआ है। इसमें कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ देना है कि 14th जुलाई 1789 को मॉर्निंग में पेरिस में अलार्मिंग कंडीशन थी। इस छोटे से सेंटेंस को कि पेरिस वॉज इन ए स्टेट ऑफ अलार्म आप ऊपर के प्रश्न के लाइन जोड़ करके बना सकते हैं कि इन द मॉर्निंग ऑफ 14th जुलाई 1789 पेरिस वॉज इन ए स्टेट ऑफ अलार्म। आपका एक पॉइंट तैयार हो गया। दूसरा पॉइंट है, सेकंड पॉइंट, किंग का ऑर्डर अपने सेना को और एक छोटी सी र्यूमर, इसी ने बहुत बड़ा एक माहौल गर्म कर दिया। अब इसको लिखना है, आपने याद कर लिया, किंग ऑर्डर्ड हिज ट्रूप एंड र्यूमर। इसमें क्या छिपा है भाई? इसमें ये छिपा है कि किंग ने अपनी सेना को आदेश दिया कि सिटी में जाएं और इसी बीच ये र्यूमर फैल गई कि किंग ने आर्मी को ऑर्डर कर दिया है आम जनता पे फायरिंग करने की। तो आप अगर याद रखते हैं केवल किंग ऑर्डर्ड हिज ट्रूप एंड र्यूमर, तो आप आराम से लिख सकते हैं कि किंग ने अपनी सेना को ऑर्डर दिया कि सिटी में जाएं और इसी बीच र्यूमर फैल गई कि किंग ने ऑर्डर कर दिया अपनी आर्मी को कि वह कॉमन पीपल पे फायरिंग करें। तीसरी पॉइंट, इन फ्रंट ऑफ द टाउन हॉल पीपुल्स मिलिटिया वॉज फॉर्म्ड। पहला पॉइंट था कि अलार्मिंग कंडीशन थी पेरिस की, दूसरा कंडीशन था कि सेना को ऑर्डर कर दिया किंग ने और र्यूमर फैल गई कि किंग ने ऑर्डर कर दिया है आम जनता पर फायरिंग करने के लिए। तो इससे बौखलाए आम लोगों ने एक पीपुल्स मिलिटिया बनाया। अब इसको लिखना है तो क्या लिखेंगे? आप जानते हैं कि 7000 स्त्री और पुरुष टाउन हॉल में इकट्ठे हुए और उन्होंने पीपल्स मिलिटिया बनाने का निर्णय लिया। सीधे बढ़ रहे क्रम से तो आपको याद करना आसान होगा। अलार्मिंग कंडीशन थी, किंग ने ऑर्डर किया
र्यूमर फैल गया और र्यूमर से बौखलाए लोगों ने एक पीपल्स मिलिटिया बना ली। जब पीपल्स मिलिटिया बन गई फिर क्या होता है भाई, चौथा कीवर्ड है ब्रोक इन टू गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, मतलब लोगों ने सरकारी भवनों को तोड़ के उसके अंदर घुस गए। जब पीपल्स मिलिटिया बन गई, लोग बौखलाए थे ही, तो सीधे लोगों ने गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे अटैक करना शुरू किया। अटैक क्यों हुआ, हथियारों की खोज में। जब मिलिटिया बन गई तो मिलिटिया को आर्म्स चाहिए थे, और आर्म्स की पूर्ति कहाँ से होती, तो गवर्नमेंट बिल्डिंग से। पांचवी पॉइंट, पीपल स्टॉर्म द प्रिजन ऑफ बस्टाइल। उस समय का सबसे बड़ा प्रिजन था फोर्ट्रेस प्रिजन द बस्टाइल। लोगों ने हथियार की खोज में उस प्रिजन पे भी अटैक कर दिया और उसको पूरी तरह तोड़ के नष्ट कर दिया, और इस तरह से 14 जुलाई को 1789 में फ्रांस में एक घटना घटी। याद करना आसान है कि पेरिस में 14 जुलाई 1789 की मॉर्निंग में अलार्मिंग कंडीशन थी। किंग ने सेना को ऑर्डर किया सिटी जाने के लिए। लोगों के बीच र्यूमर फैल गया कि किंग ने ऑर्डर कर दिया है आम जनता पर फायरिंग करने की। इस न्यूज़ से बौखलाए लोगों ने पीपल्स मिलिटिया बनाया। पीपल्स मिलिटिया बनने के बाद आर्म्स की खोज में, हथियारों की खोज में लोगों ने गवर्नमेंट बिल्डिंग पे हमले कर दिए, और यहाँ तक कि बेस्टाइल के प्रिजन को भी लोगों ने पूरी तरह तोड़ दिया। तो ये बहुत आसान सा आंसर है। इस छोटे से थीम को समझ लेना है, अगर आप इस थीम को समझ गए तो आपका आंसर आसान हो गया। दूसरा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, व्हाट इज सब्सिस्टेंस क्राइसिस, एक्सप्लेन इट्स फैक्टर्स। सब्सिस्टेंस क्राइसिस क्या थी, इसके फैक्टर्स को एक्सप्लेन करिए। तो सबसे पहले सब्सिस्टेंस क्राइसिस को समझते हैं आसान से शब्दों में। एन एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर बेसिक मीन्स ऑफ लिवलीहुड आर इनडेंजर्ड। एक ऐसी स्थिति जिसमें जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं भी लोगों को ना मिलें, खतरे में, तो ये हो गई सब्सिस्टेंस क्राइसिस। जब लोगों को बेसिक मीन्स ऑफ लिवलीहुड भी ठीक ढंग से ना मिल सके, वो खतरे में हो, तो ये सब्सिस्टेंस क्राइसिस है। अब इसके लिए कौन कौन से कारण जिम्मेवार थे, आते हैं कीवर्ड्स में। बहुत आसान याद करना है इसको, लंबे लंबे आंसर्स देख के आप डरे नहीं। कोई भी क्राइसिस क्यों होती है, पहली कारण ये होती है कि जनसंख्या बढ़ जाती है। जनसंख्या बढ़ गई लेकिन मजदूरों की मजदूरी नहीं बढ़ी। जनसंख्या बढ़ गई, मजदूरी नहीं बढ़ी, प्राइसेस जो थे रोज़मर्रा के जीवन की वस्तुओं के, वो बढ़ गए। जब जनसंख्या बढ़ी, मजदूरी नहीं बढ़ी, तो प्राइसेस कमोडिटीज़ के बढ़ गए लेकिन मजदूरी नहीं बढ़ी मजदूरों की। और इसी बीच प्राकृतिक आपदाएं जो आती रहीं, चाहे वो सूखा हो या बाढ़, जो भी समस्या रही प्रकृति की, इसने लोगों का जीवन जीना और मुहाल कर दिया, चाहे वो ड्रॉट हो या हेल हो। तो बहुत आसान सा आंसर इसका है, याद क्या रखना, केवल जनसंख्या बढ़ी, मजदूरी नहीं बढ़ी, वस्तुओं की प्राइस बढ़ गई, और इसी बीच प्राकृतिक आपदाओं ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप सब्सिस्टेंस क्राइसिस हो गई। बहुत आसान सा इसका आंसर है। नंबर थर्ड, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आप ध्यान देंगे, ये प्राय एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं।
What were the role of philosophers in the French Revolution? French Revolution में philosophers के क्या role थे? इस question को कभी इस ढंग से पूछते हैं कि What was the contribution of the French philosophers in the outbreak of the revolution of 1789 in France? दोनों एक ही बात है. तो इसमें भी आप पहला काम ये करें कि जो फिलोसफर्स हैं उनके नाम याद कर जाएं. वो नाम कौन कौन से हैं? वोल्टेयर, जॉन लॉक, रूसो और मॉन्टेस्क्यू. आपने ये नाम जहाँ याद किए कि आपने आधा आंसर याद कर लिया. चार नाम, वोल्टेयर, जॉन लॉक, रूसो और मॉन्टेस्क्यू. अब याद ये करना है कि इन चारों ने कौन कौन सी बातें कही. पहले वोल्टेयर की बात करते हैं. उसने कहा कि मैंस डेस्टिनी वाज इन हिज हैंड. मनुष्य का भाग्य उसके अपने हाथ में होता है. अब इसको आप थोड़ा लंबा कर सकते हैं जब चाहें. अगर आपको एक कीवर्ड याद है कि वोल्टेयर ने क्या कहा, तो आप इस लाइन को अपने लैंग्वेज में बड़ा करके लिख सकते हैं. जॉन लॉक की बात करते हैं. जॉन लॉक ने क्या कहा भाई? उसने क्रिटिसाइज किया किंग के डिवाइन और एब्सोल्यूट राइट को. उसने, अगर आपको याद करना हो सीधे याद करेंगे जॉन लॉक के बारे में, क्रिटिसाइज्ड द डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट्स ऑफ द रूलर्स होगा यहाँ पे, ध्यान देंगे आप. क्रिटिसाइज्ड द डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट्स ऑफ द रूलर्स. रूल्स से हम स्प्रिंट है. तो उसने राजा की दैवीय और अनियंत्रित शक्तियों के ऊपर उसकी आलोचना की, उसको क्रिटिसाइज किया. इसको भी बड़ा कर सकते हैं आप. तीसरा है रूसो. रूसो ने जो सिद्धांत दिया उसका ये था कि गवर्नमेंट बेस्ड ऑन ए सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स. बहुत आसान सा लाइन है ये कि सरकार आम जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच एक पारस्परिक कॉन्ट्रैक्ट पे, जिसको उसने नाम दिया सोशल कॉन्ट्रैक्ट, पर आधारित होनी चाहिए. और जब आम जनता को ये लगे कि अपने रिप्रेजेंटेटिव काम से वो संतुष्ट नहीं है, तो वह जब चाहे गवर्नमेंट को चेंज कर सके. तो रूसो ने यही कहा. एक वर्ड है सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल एंड द रिप्रेजेंटेटिव्स. आप याद कर लेंगे इसको. मॉन्टेस्क्यू का क्या भाई? पावर शुड बी डिवाइडेड एमंग द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी. गवर्नमेंट के इन तीन ऑर्गन्स के बीच पावर का डिवीजन, ये मॉन्टेस्क्यू की मेन थीम थी. तो आप केवल इन फिलोसफर्स के मेन थीम अगर याद कर जाते हैं, तो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आए 3 मार्क्स के लिए या 5 मार्क्स के लिए, आप उसको इजिली कर सकते हैं. लैंग्वेज आपका होगा, केवल आपको मेन थीम याद कर लेनी है. और आपने मेन थीम याद कर लिया तो आपके लिए क्वेश्चंस के आंसर करने बहुत आसान हो जाएंगे. अभी मैंने केवल इस वीडियो को इसलिए बनाया कि अगर आपको इससे सुविधा होती याद करने में, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें अपना कमेंट दें, अपने सजेशंस दें, ताकि मैं ऐसे और वीडियो बना सकूँ और क्वेश्चन आंसर्स को याद करने के और भी तरीके, आसान तरीके जिससे आप समझ सकें और एग्ज़ाम में लिख सकें, आपके लिए बना सकें. आप हमसे जुड़े रहें, चैनल से जुड़े रहें और हमारी वीडियोस का लाभ लेते रहें. इसी उम्मीद के साथ फिर आगे मिलते हैं कुछ नए प्रश्नों के साथ. धन्यवाद.